राजस्थान में अब सत्ता की लड़ाई गहलोत और पायलट से होती हुई राज्यपाल तक पहुंच गई है। सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी ना देने पर कांग्रेस लगातार राज्यपाल को घेर रही है। वहीं आज राज्यसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी कलराज मिश्रा को आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने तो ऐसी बात बोल दी है जिससे बीजेपी तक बौखला सकती है। एक रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की राजनीति इस वक्त विधानसभा सत्र को लेकर गरमा रही है, जहां सीएम अशोक गहलोत बार बार राज्यपाल से सत्र को मंजूरी देने की गुजारिश कर रहे हैं। वही राज्यपाल कलराज मिश्र उनकी दरख्वास्त को मानने को तैयार नहीं है, इसलिए कांग्रेस गुस्से से लाल हो गई है। आज राज्यसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राज्यपाल पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि राज्यपाल ने 21 दिनों के वक्त की बात इसलिए की है ताकि बीजेपी अपनी स्थिति को मजबूत कर सके और हरियाणा में अपने घोड़ों की संख्या बढ़ा सके। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देंगे। कलराज जी की कला काबिले तारीफ है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान से साफ है कि वो राज्यपाल पर बीजेपी के इशारों पर काम करने का आरोप लगा रहे हैं। वैसे पार्टी के सभी नेताओं ने कलराज मिश्र पर यही आरोप लगाया है, बावजूद इसके वो सरकार की बात मानने को तैयार नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर राज्यपाल सत्र को मंजूरी क्यों नहीं दे रहे हैं? उनकी ऐसी क्या मजबूरी है? क्या वाकई हालात का बहाना है या फिर बीजेपी का इशारा है? इन सवालों के जवाब तो अभी मिलेंगे नहीं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि राज्यपाल और सीएम की लड़ाई में कौन जीतता है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।